देखिए, एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है ये, और एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था। और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी, लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है। और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 से 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया है। ऐसा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी सर? देखिए, ये जो प्रकरण अगर कोई पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाता है और न्यायालय से इसके संबंध में ये अनुरोध किया जाता है, तो इसको पूरी एक लीगल प्रक्रिया होती है, उसको विधिक ढंग से देखने के उपरांत यदि लगता है तो उसमें निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई जरूर की जाए।